जी, आपका कौशिक किचन में स्वागत करती हूँ। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज हम बनाने वाले हैं मावा सूजी गुजिया, चाशनी चढ़ी हुई जो होती है। ये मैं मेरे तरीके से बनाती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। वैसे तो ये होली पे बनाई जाती है, बट मेरे को पसंद है इसलिए आज मैं अभी बना रही हूँ, दिवाली के पहले ही। चलिए, सबसे पहले हम उसके लिए मावे को तैयार करते हैं। उसके लिए हमने एक पैन में एक चम्मच घी ले लिया है, और घी के मेल्ट होने पर हम इसमें मावा डाल देंगे, करीबन 100 ग्राम के आसपास। मैंने जो ये मावा मिलाया है इसमें, ये घर का बना हुआ है, इसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और ये मावा बिल्कुल ताज़ा घर का बना हुआ है, बिल्कुल भी मैं बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको देखते हैं जैसे भी त्यौहार चल रहे हैं, त्यौहार में सब लोग जो मिठाई वाले हैं वो सिंथेटिक चीज़ों का यूज़ में लेते हैं, इसलिए मैं मोस्टली घर की बनी हुई चीज़ें यूज़ करती हूँ। आप भी घर में मावा बना सकते हैं बहुत ही जल्दी, आप वीडियो देखिए मेरे चैनल पर जाके। अब हमने सबसे पहले मावे को अच्छे से सेक लिया है घी में, इसको अभी थोड़ी देर सेक लेंगे, 2-3 मिनट और अच्छे से। जब ये थोड़ा सा हल्का सा बादामी कलर का हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ही इजी प्रोसेस है गुजिया बनाना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए कलर धीरे धीरे इसका बादामी होने लग गया है। अच्छे से इसको मिक्स होने देंगे घी को, और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये देखिए इसका बादामी कलर हो गया है हल्का सा, ज्यादा डार्क नहीं करेंगे हम इसको। और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि जो ये मसाला, जो हम फिलिंग का मसाला बनाते हैं गुजिया का, वो ठंडा ही उसमें भरा जाता है। अगर आप उसे गरम गरम भर देंगे तो जब आप गुजिया को तलेंगे तो वो फट जाएगी, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको गुजिया का जो मसाला है वो ठंडा करके भरना है उसमें। अब हम उसी पैन में थोड़ा सा घी लेके 2 स्पून करीब सूजी लेंगे हम यहाँ पे, और उसे अच्छे से सेक लेंगे। हम ज़्यादा सूजी यूज़ में नहीं ले रहे हैं, हल्का सा क्रिस्पी सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे 2 और 2.5 स्पून सूजी ले रही हूँ। ये देखिए इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करना है हमें, जिससे कि सूजी थोड़ी सी सिक जाए और मसाले में हल्का सा क्रिस्पी सा टेस्ट आए। अगर मावा, खाली मावा का जो हम भरते हैं फिलिंग, तो फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और हमारी जो गुजिया है वो इतनी लजीज नहीं लगती। ये मेरा तरीका है, मैं दोनों चीज़ मिला के डालती हूँ। अगर आपको सूजी नहीं पसंद तो आप सूजी स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारी सूजी सिकने लग गई है, अब हम इसे सूजी को निकाल लेंगे एक बर्तन में, और सारे मसाले को ठंडे होने के लिए रख देंगे। इस बीच में हम क्या करेंगे, जो हमारा आटा है सूजी के, जो सूजी मैदा का जो बैटर बनता है वो बनाएंगे हम इस बीच में। ये देखिए अब हम इसमें और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं मसाले के, जो फिलिंग के मसाले के, वो मिला देते हैं। हमने सबसे पहले मिलाया है 1 कप नारियल पाउडर, कोकोनट पाउडर, किशमिश, बादाम का पाउडर, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल खड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसमें, पर मेरे को इतना अच्छे नहीं लगते वो, इसलिए मैं इसमें इसे हम अच्छे से मिला लेंगे।
और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब इसमें हम बाद में जब इसको फिलिंग करेंगे तब हम इसमें इसमें बूरा या शुगर पाउडर मिलाएंगे। अब हम हमारा जो बैटर है, बैटर मींस जो आटा होता है मैदे का, वो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमने 1 कप मैदा ली है और 1.5 कप मैदा लेंगे हम इसमें। इसमें हम मोन के लिए 1 चम्मच घी मिलाएंगे। अब इसको एक सॉफ्ट सा बैटर बना लेंगे। ज़्यादा टाइट आटा हम नहीं गूंदेंगे इसका, इसका हल्का सा सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। वो थोड़ी देर बाद उसे हम ढक के रखेंगे तो वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए मुठिया बनने वाला हमें इसमें मोन मिलाना है। अब धीरे धीरे इसमें हम पानी मिलाएंगे और इसका एक बिल्कुल आटा गूंदेंगे। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया। इसे गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो फिलिंग वाला मसाला था वो तैयार हो गया है क्या, ठंडा हो गया है वो अच्छे से। इसमें हम 3 स्पून शुगर पाउडर मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बूरा भी इसमें मिला सकते हैं, मैं यहाँ पे शुगर पाउडर मिला रही हूँ। ये मिक्स हो गया है अच्छे से मसाला। अब हम जो हमारी गुजिया की पूड़ी है उसको बना लेते हैं फटाफट से और इसकी फिलिंग तैयार करके सारी गुजिया तैयार कर लेंगे। फिर एक साथ हम सारी गुजिया को तल लेंगे। आटे को हल्का सा मथ लेंगे इस तरह से और उसके लोए बना लेंगे। एक साइज के, सेम साइज के लोए हम अभी से तैयार करके रख लेंगे और फिर उसे बेल लेंगे पुड़ी के शेप में। इस तरह से एक लोया तैयार करके उसे इस तरह से बेल लेंगे हम और एक बड़ी सी पूड़ी तैयार कर लेंगे। आप ज़्यादा पतला बेलेंगे तो आपकी गुजिया का फटने का डर रहता है और फिर आपकी गुजिया तेल में फैल जाएगी और फिर वो अच्छी गुजिया नहीं बनेगी आपकी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, न ज़्यादा पतला हो ये और न ज़्यादा मोटा हो। नॉर्मल सी पूड़ी बेलिए और उसे इस तरह से उसके सभी कोनों को फैलाते हुए इस तरह से हाथ में लेके उसमें जो हमारे फिलिंग वाला मसाला है वो इस तरह से भर लीजिए और एक तरफ से फोल्ड करके इसके सारे कोनों को इस तरह से दबा दीजिए और फिर धीरे धीरे कोनों को इस तरह से फोल्ड करते जाइए और चूड़ी वाली फोल्ड उसमें कर दें। इस तरह से पूरी गुजिया को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और आपकी गुजिया बिल्कुल तैयार हो जाएगी। सेम प्रोसेस आपको से सारी गुजिया बना लेनी है और फिर एक साथ बना के उन्हें तैयार कर लेना है और फिर सारी गुजिया को तलना है मीडियम फ्लेम पे।
सेम प्रोसेस, पूड़ी बनानी है हमें, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, और फोल्ड करके चारों तरफ से इसके कोने दाब देने हैं और फिर उसे फोल्ड कर देना है। इजी है बहुत, एक बार आप बना लेंगे तो आपको इसका बनाने का तरीका आ जाएगा और फिर बहुत आसानी से आप सारी गुजिया तैयार कर लेंगे। इसके सांचे भी मार्केट में मिलते हैं, आप चाहें तो सांचों से भी बना सकते हैं। आज मैं इसको हाथ से ही बना रही हूँ। ये देखिए हमारी सारी गुजिया तैयार हो गई हैं, अब हमें इन्हें फ्राई करना है। तेल भी गरम करने रख दिया था मैंने, तेल गरम हो गया है अच्छे से। अब मैं धीरे धीरे सारी गुजिया को इसमें डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इन्हें तलूंगी। आप धीरे धीरे इन्हें पलटते रहिए जिससे कि ये सब तरफ से अच्छे से सिक जाए। ये देखिए हमारी गोल्डन हो गई है गुजिया, एक गुजिया थोड़ी सी फट भी गई है, इसलिए आप जब इसमें चूड़ी दे मतलब इसको साइड से दबाएं गुजिया को, तो ध्यान रखिए कि वो अच्छे से प्रेस हुई हो। हमारी गुजिया तैयार हो गई है, अब हम चाशनी की तैयार, जो हमने चाशनी बना ली थी पहले ही, चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन में पहले 1 कप शुगर डाल दी थी और 1/2 कप वाटर डाल दिया था। चाशनी हमें आधे तार की बनानी है तो इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे शुगर को, और शुगर मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें और चीजें मिलाएंगे। शुगर मेल्ट हो गई है, हमने थोड़े से केसर के पत्ते मिलाए हैं और थोड़ी सी इलायची पाउडर मिलाया है। ये देखिए केसर का अच्छे से कलर आ गया है। अब हम इसमें हमारी गरम गरम में ही जो हमारी गुजिया है वो डाल देंगे। पहले आप चेक कर लीजिए कि ये आधे तार की चाशनी बनी है कि नहीं। आपको गरम गरम में ही डालनी है गुजिया, गरम गरम चाशनी में, तभी वो अंदर तक पूरी पैरेगी उसमें और तभी आपको इवनली टेस्ट आएगा शुगर का। ये देखिए चाशनी तैयार हो गई है हमारी बिल्कुल, आधे तार की बिल्कुल तैयार है हमारी चाशनी। अब हम इसमें हमारी गुजिया एक एक करके इसमें डालेंगे। हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दी है चाशनी को और अब हम इसमें हमारी गुजिया डालेंगे और उसे अलट पलट कर देंगे जिससे कि पूरी गुजिया में अच्छे से चाशनी पैर जाए।
ये अच्छे से तैयार हो गई हैं गुजिया। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो बिना गुजिया को चाशनी चढ़ाए भी खा सकते हैं, पर उसके लिए आपको जो हमने मसाला बनाया था मावे का, उसमें थोड़ी सी शुगर ज़्यादा डालनी पड़ती है। इस तरह से हम सारी गुजिया पे चाशनी चढ़ा लेंगे। ये देखिए दिखने में कितनी लजीज दिख रही है ना, खाने में भी उतनी लाजवाब है। आप भी इस तरह से बनाइए, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अपने व्यूज कमेंट में जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ। और मेरा चैनल की वीडियोस और रेसिपीज आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये हमारी सारी गुजिया तैयार हो गई है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हल्का सा ऊपर से चाशनी से गार्निश कर देते हैं। चाहे आप इसे गरम गरम खाइए, चाहे ठंडा करके खाइए, ये दोनों तरह से ही बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा इसे चॉप्ड ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। ये देखिए हमारी गुजिया, चाशनी वाली गुजिया बिल्कुल तैयार है। कितनी सुंदर लग रही है ना, आप भी अपने कमेंट्स में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।